और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। कल रात से यहां पर सुरक्षा बलों का आतंकियों के साथ एनकाउंटर चल रहा है। इसमें एक आतंकी को मार गिराया गया है, जबकि दो और आतंकियों के अभी भी आसपास के इलाकों में छिपे होने की आशंका है। कल रात से ये मुठभेड़ जारी है। एहतियातन बनिहाल और श्रीनगर के बीच रेल यातायात को रोक दिया गया है। अभी भी ये आशंका है कि दो आतंकी आसपास के इलाकों में छिपे हो सकते हैं, जिसे देखते हुए तेजी से तलाशी अभियान चलाया जा रहा है सुरक्षा बलों की तरफ से। लेकिन एनकाउंटर में एक आतंकी को मार गिराया गया है। और डिटेल्स के साथ हमारे संवाददाता अशरफ वानी इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। अशरफ, क्या इस पर अभी और अपडेट मिल रहा है? मीनाक्षी, ये मुठभेड़ अभी जारी है क्योंकि जो दो आतंकी छुपे थे एक घर में, उनमें से एक को मारा गया है, जिसकी पहचान भी हुई है। वो स्थानीय जहांगीर अहमद गनाई उसका नाम है, जो पास ही के एक गांव का रहने वाला है। दूसरा जो भी स्थानीय है, लश्कर के दोनों थे, एक अभी भी घर के अंदर वहाँ पर जो है छुपा हुआ है और लगातार वहाँ पर रुक रुक कर गोलीबारी हो रही है। कोशिश हुई थी यहाँ पर सुरक्षा बलों की तरफ से कि जो दूसरा स्थानीय वहाँ पर मिलिटेंट छुपा है उसको सरेंडर करने के लिए आमादा किया जाए, लेकिन फिलहाल उसने सरेंडर करने से इनकार किया है। दूसरी तरफ जो आपने महत्वपूर्ण बात कही, जो बनिहाल और बारामूला के बीच में ट्रेन सेवा है उसको फिलहाल रोक दिया गया है, क्योंकि जो रेलवे ट्रैक है वो इसी गांव के बीच से गुजरता है, तो वहां पर कुछ लोग जमा हुए हैं, कुछ छुटपुट पत्थरबाजी भी हुई थी, उसको देखते हुए एहतियात के तौर पर और जो जो यात्री हैं उस रेल के उनकी सुरक्षा को लेकर फिलहाल रेल यात्रा को रोक दिया गया है। मुठभेड़ अभी भी जारी है, एक लश्कर का मिलिटेंट मारा गया है, जबकि दूसरा जो है वो अभी भी घर के भीतर छुपा हुआ है। जी शुक्रिया अशरफ आपका इस जानकारी के लिए। आपसे इस पर आगे हम अपडेट्स लेते रहेंगे। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। लखनऊ एनकाउंटर के बाद दिल्ली पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। खुरासान गुट के फरार दो आतंकियों के राजधानी दिल्ली की तरफ बढ़ने की आशंका है। इसी वजह से आज संसद की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि बजट सेशन का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। खबर है कि आतंकी होली के दौरान वारदात को अंजाम देने के इरादे से भागे हैं। इन आतंकियों के पास भारी असलाह भी मौजूद है। इस तरह के इनपुट्स हैं जिसे लेकर दिल्ली पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। और डिटेल्स के साथ हमारे संवाददाता शिवेंद्र श्रीवास्तव इस पर जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, और किस तरह के इनपुट्स हैं? देखिए, जब से लखनऊ एनकाउंटर हुआ था और उसमें फरार आतंकवादी थे, तो उस बारे में आशंका जताई जा रही थी कि वो लोग कहीं ना कहीं छुपने की जगह ढूंढ सकते हैं या फिर किसी वारदात को अंजाम देने के लिए जा सकते हैं। इसी कड़ी में जब सर्विलांस के जरिए जानकारी इकट्ठा की गई, तो खुफिया विभाग ने बताया कि जो फरार आतंकी हैं वो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए दिल्ली की तरफ जा सकते हैं। चूंकि ये होली का मौका है और संसद सत्र भी चल रहा है, इलेक्शन का भी दौर चल रहा था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वक्त हो जाता है। इसीलिए ये अलर्ट जारी किया गया है कि एजेंसी चौकस रहें और किसी भी तरीके से वारदात से निपट सकें। ये जो खुरासान ग्रुप है उसके लोगों की खास बात यह है कि भी नया नया एक तो ग्रुप है, दूसरा ये लोग जल्दी जल्दी कई वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर चुके हैं, हालांकि किसी मकसद में कामयाब नहीं रहे अभी तक, जैसे कि यूपी पुलिस ने भी बताया था। लेकिन चूंकि मौका है वारदात से भागे हैं, ये लोग पकड़े नहीं गए हैं अभी तक, इसलिए खतरा बना हुआ है और एजेंसी ने इस बात को ध्यान में रखते हुए अलर्ट जारी किया और उसके बाद अब चौकसी कई जगह बढ़ाई गई है। शुक्रिया शिवेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे और खबरों के साथ। देख रहिए आज तक। आज से संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हो रहा है, जिसे लेकर काफी अहम जानकारी जो सामने आ रही है वो ये कि गृहमंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ में हुए एनकाउंटर को लेकर आज बयान दे सकते हैं, सदन के जरिए पूरे देश को इसके बारे में सूचना दे सकते हैं। आपको बता दें, इस मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया गया था। वोटिंग के आखिरी दौर से पहले ही ये लखनऊ में मुठभेड़ हुई थी, लेकिन आतंकियों के ISIS कनेक्शन को लेकर सबसे बड़ा विवाद खड़ा हुआ। इस मसले पर आज विपक्ष सरकार को घेर सकता है, लेकिन इसके अलावा एक और मुद्दा है, रामजस कॉलेज में जिस तरह से विवाद हुआ जिसने पूरे देश में चर्चा छेड़ी, इसे लेकर भी संसद में घमासान के आसार हैं। सरकार आज लोकसभा में इस बीच मेटर्निटी लीव बिल भी ला सकती है और इस बिल को राज्यसभा से पिछले साल ही मंजूरी मिल चुकी है। तो ये तीन अहम खबरें जो सदन के आज के कार्यक्रम को लेकर, आज की कार्यवाही को लेकर है, वो हम आपको जानकारी दे रहे हैं। मैं चाहता हूं कि सभी पॉलिटिकल पार्टी, सभी संसद सदस्य बजट के ऊपर ध्यान दे, अध्ययन करे और सार्थक बहस करे सदन में, क्योंकि देश का लाभ होगा, लोगों का जो आकांक्षा है वो नॉर्मली बजट सेशन में ही
आकांक्षाओं का व्यक्त करने के लिए अच्छा मौका मिलता है। चलिए फिलहाल एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद मॉर्निंग स्पेशल में आपको दिखाएंगे हिंदुस्तान से गद्दारी का प्लान फेल।